जय श्री राम। इस वक्त हम लोग प्रभु राम की नगरी अयोध्या में हैं और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं जो 5 मार्च सन 1992 से भगवान राम की अनवरत सेवा करते चले आ रहे हैं, भगवान राम जी के पुजारी महंत श्री सत्येंद्र दास जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली इनसाइडर पर। धन्यवाद। आप लंबे समय से भगवान की अनवरत सेवा करते चले आ रहे हैं, अब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, यानी जो कल्पना आपने की थी वो साकार होने जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि पहले जब हम पुजारी हुए उस समय विवादित ढांचा रहा, जहाँ रामलला विराजमान थे, विवादित क्योंकि बना बनाए भवन था, और उसी में पूजा अर्चना हमने शुरू किया। लेकिन उसी वर्ष 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गिर गया और रामलला त्रिपाल में आ गए। और ये चूँकि रिसीवर के माध्यम से हो रहा था, कोर्ट जो आदेश दे वो हिस्सी के अनुसार रिसीवर कर देते, इसे उस 28 वर्ष बीता उसके बीच में। ये 28 वर्ष त्रिपाल में रह करके रामलला को बहुत ही समस्याएं झेलना पड़ा और तमाम परेशानियां रही जब त्रिपाल में रामलला रहे, क्योंकि यदि त्रिपाल खराब हो जाता था तो कोर्ट के आदेश लेना पड़ता था, पानी गिरते थे तो ऊपर से दूसरे मतलब त्रिपाल लगा करके, लेकिन वो त्रिपाल जो वाटरप्रूफ फायर प्रूफ रहा उसको नहीं लगाया जाता, वो रुड़की से बन करके आता था। तो इसलिए वो 28 वर्ष मार्च से लेकर के और के मार्च में ही हम पुजारी हुए थे और 2020 में रामलला 25 मार्च को अस्थाई मंदिर बन करके तैयार हुआ, जहाँ भी रामलला विराजमान है। और उसके बीच में जब आदेश हो गया तो उसके बाद ये आशा जगी कि भगवान की ही कृपा से सब कुछ होता है, और अभी तक वो त्रिपाल में रहे, अब वो भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसका स्वरूप बनना शुरू हो गया है, कुछ ही दिनों में बन करके तैयार हो जाएगा, जहाँ ये अस्थाई मंदिर से उठ करके वो भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे भगवान। ये जो आशा रही वो आशा अब पूर्ण हो रही है। सर, कहीं हम लोग पढ़ रहे थे कि जब 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ध्वस्त हो रहा था तो आप मंदिर में थे, पूजन कर रहे थे, और आपने रामलला को छुपा लिया था ताकि उनकी मूर्ति क्षतिग्रस्त ना हो, उस अनुभव का थोड़ा अनुभव साझा करेंगे हमारे साथ? देखिए, जब लोग आए तो सबसे पहले वहाँ मंच बना था, जहाँ के प्रमुख लोग वहाँ उपस्थित थे, उन लोगों का ये आदेश हुआ, जो कार सेवक आए थे उनसे कहा कि सरयू जल और वहाँ से बालू लेकर के आइए, और जो पहले चौतरा बना हुआ था मंदिर के सामने का इसको साफ करिए। ऐसा जैसे लगभग 11 बज रहा था, भोग लगा चुके थे हम और पर्दा लग गया था, उसी समय आदेश हुआ, तो जितने भी वहाँ पर आए थे कार सेवक उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि बारंबार हम लोग कार सेवा के नाम से बुलाते हैं और ये हमारे साथ धोखा देते हैं, इसको तोड़ दो, इसी यही एक रास्ता है, टूट जाएगा तभी इसका समाधान हो जाएगा। तो जितने लोग वहाँ थे सब उस पर गुम्बज पर चढ़ने लगे और उसको तोड़ने लगे। 3 गुम्बज था, रामलला तब तक वहाँ रहे जब एक गुम्बज उत्तर और एक दक्षिण, तो बीच वाला में रामलला विराजमान थे जहाँ पुजारी हम लोग रहे, तो उत्तर वाला गिर गया तब तक हम उसको नहीं किए, जब दक्षिण वाला भी गिर गया तब बचा बीच वाला। जब इसको गिराने के लिए आए तो सिंहासन सहित कार सेवकों के सहयोग से हमारे 4 सहायक पुजारी सब मिल करके वो सिंहासन लकड़ी का था और उसको उठा करके वो इतनी दूर कर दिए कि जिससे गिरने के बाद क्षतिग्रस्त न हो, वहाँ स्थापित कर दिए। और उसके बाद दो गिरा, तीसरा भी गिर गया, लगभग 11 बजे शुरू हुआ था और लगभग 5 बजे तक वो तीनों ढांचे गिर गए। गिरने के बाद में तो वहाँ बड़े बड़े चट्टान थे, नीचे से खोदे, ऊपर से गिरे थे, तो कार सेवकों ने उसको नीचे जगह थी नीचे सबको उसको बराबर कर दिया, जो बड़े बड़े चट्टान थे उसको गिरा दिया, वहाँ रस्सी में बांध बांध करके उस बराबर करके, और उसके बाद में वहाँ पर ला करके बल्ली बना के और एक चौतरा बना दिया। चौतरा बनाने के बाद चारों ओर से कपड़े से
घेर दिया, बना दिया, और उसी में फिर वही सिंहासन जो था उसको स्थापित कर दिया गया लगभग 7 बजे रात में। यह रहा उस दिन की घटनाएं। और उसके बाद भोजन जगह जो रही सब गिर गया, भोजन वहीं बनता था, तो उस दिन भोजन नहीं बन पाया, भोग नहीं लग पाया, तो दूध बुला दूध और ला करके और फल ला करके उनके उस रात में भोग लगा। और सवेरे दूसरे दिन से तब दूसरे मानस भवन में और वहाँ सीता रसोई मानस भवन दो थे, तो सीता रसोई में फिर भोजन बनना शुरू हुआ और भोग लगा दूसरे दिन। पहले दिन जो है केवल दोपहर में लगा था, लेकिन शाम को भोजन नहीं, भोग नहीं लग पाया, भगवान के दूध भोग लगा। इस प्रकार की स्थिति उस दिन की भयावह रही। आचार्य जी, रामलला 28 वर्ष तक तंबू में थे, संगीनों के साये में थे, कड़ी सुरक्षा के बीच आप दिन रात सुबह शाम भगवान की पूजा करते थे, तो जब प्रभु के सामने आप नतमस्तक होते थे तो क्या रहता था मन में, दिल में, दिमाग में? कि भगवान जब जिस समय वनवास जाने लगे तो उन्होंने माता सीता ने कहा कि हट किया हम ही जाएंगे, तो उन्होंने एक उपदेश दिया भगवान राम कि दिवस यात नहीं लागे ही बारा, भाविन सिखवन सुनो हमारा, यह दिन बीतते 14 वर्ष बीतने देर नहीं लगेगा, इसे आप इसकी चिंता न करो और यहाँ पर आप सेवा करिए हमारी माता जी का और ये लोगों का। और तुम जन वहाँ तमाम बातें बताई कि वन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, सब बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे जल न हो नदी में बेकार है, शरीर में प्राण निकल ये बेकार है, उसी प्रकार से स्त्री का स्वरूप स्थिति होती है, इसलिए हम आपको छोड़ करके नहीं रह पाएंगे। तो गई तो वही याद आया कि 14 वर्ष के समय में उन्होंने यही का उपदेश दिया था कि समय बीतते नहीं लगेगा, तो वो समय अवश्य आएगा, ऐसा विश्वास था रामला के कृपा से कि निश्चित है कि ये समय समाप्त होगा और यहाँ पर वह भव्य मंदिर बनेगा जैसा कि कभी भी त्रेता युग में कल्पना करते थे कि यह दिव्यमान नगरी थी अयोध्या, अयोध्या नाम नगरी तथा श्रीलोक बृहस्पता मनुना मानवेंद्र या पुरीता स्वयं सारे विश्व में प्रसिद्ध थी नगरी, मणिमाणिक से आच्छादित थी, जिस नगरी को देख करके देवता भी लज्जित होते थे और स्वयं ब्रह्मा का यह कहते थे कि हमारी रचना ही यहाँ नहीं है, ये अलौकिक रचना रही, अलौकिक ये अयोध्या रही, क्योंकि तब विष्णु वैकुंठ से दीन अयोध्या आन मन लाए महलोक में सिरपत कर तंजान, साक्षात भगवान का स्वरूप ही अयोध्या है, इसलिए उस समय में यह इसका स्वरूप कुछ अपने आप में बहुत विलक्षण रहा। यहाँ योगी जी आए हैं तो उन्होंने यहाँ कहा था कि इस नगरी को हम त्रेता युगी नगरी बनाएंगे, तो आप देखिए कहाँ तक बन पाता है, अभी तो मंदिर बन रहा है, मंदिर का स्वरूप ऐसा दे रहे हैं। एक जो विशेष रूप से बात आ रही है, वैज्ञानिक लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं कि मंदिर बने और यहाँ पर भगवान रामला विराजमान हो, उस जगह पर सूर्य का किरण लगे, तो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का किरण सबसे प्रथम भगवान के विग्रह पर लगेंगे, इस प्रकार के विज्ञान लोग उस मंदिर का स्वरूप बना रहे हैं। देखिए भव्य मंदिर 3 मंजिला में बनाना है, और कुछ विज्ञान के लोग ने कहा, कुछ ट्रस्ट वालों ने कहा कि नहीं 23 दिसंबर तक मंदिर बन जाएगा, तो कितना भाग में बन जाता है, कब स्थापित हो जाते हैं, लेकिन 23 दिसंबर में निश्चित है कि भगवान राम वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, ऐसी आशा है। आप संस्कृत के शिक्षक रहे हैं, उसके बाद लंबे समय से राम जी के चरणों में आपने खुद को अर्पित किया हुआ है, तो संस्कृत शिक्षक से लेकर और राम जी के जो चरणों में अर्पण की आपकी जो सेवा यात्रा रही है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। उस समय हमें परेशानी रही क्योंकि हम अध्यापक रहे और हम रिटायर नहीं हुए थे, तो हमको परेशानी, तो हमने 4 सहायक को जारी, हमने अधिकार पूर्णतया ऋषिवन दिया कि आप पूरी व्यवस्था जिम्मेदारी आपकी है, मुख्य जारी, तो हमने 4 सहायक पुजारी नियुक्त किया और 4 कर्मचारी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। सुबह जाते थे पूजा वूजा करने के बाद 10 बजे तक हम मंदिर में रहते थे, इसके बाद वहीं थोड़े दूर पर वो विद्यालय था,
वहाँ जाकर के पढ़ाते थे, फिर 4 बजे छोड़ते थे, फिर मंदिर में आते थे, मंदिर में भगवान की पूरा शयन करा करके, भोग लगा शयन करा के तब फिर आते थे। इस प्रकार से जब तक सेवानिवृत्त नहीं हुए थे तब इस प्रकार की वहाँ के जो दिनचर्या चलती रही, और विद्यालय भी हमने देखा पूर्ण रूप से, और उसके बाद में भगवान श्री राम लला का पूजा अर्चना में कोई बाधा नहीं आई, वो होता रहा। रामलला का मंदिर बन रहा है, शुरुआत हो गई है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो किस तरीके के बदलाव आए हैं यहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद? देखिए बदलाव बहुत कुछ आए, जैसे जब मंदिर बन रहा है तो उसके लिए जगह है और चौड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, और जगह और चाहिए, जितने में है उतना में पूरा हो नहीं पाए, आसपास में लोग बहुत बसे हुए हैं, और कुछ व्यापारी वर्ग हैं जो रास्ते में पड़ रहे हैं, जो यूँ यहाँ से सीधे बाईपास से यही रास्ता निकल कर सीध राम जन्मभूमि जाएगा, तो इसका चौड़ीकरण में जो है वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं, तो उन लोग कुछ संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन यहाँ तक ये है कि जितनी भी समस्याएं उनकी हैं उसका समाधान किया जाएगा, उन्हें बसाया जाएगा, उनको मुआवजा दिया जाएगा, जिससे वो संतुष्ट हैं। किसी प्रकार का कोई भी मंदिर बनने में जो बाधाएं आई हैं, जो लोगों का जो प्रभावित हुए हैं, उनको पूर्णतया संतुष्ट किया जाएगा, कोई परेशानी उनको नहीं होगी, बसाने के लिए और उनके व्यापार के लिए सारी सुविधाएं दिया जाएगा। इसलिए वह जो इसलिए संसद हैं शंका करते हैं वो गलत है, और उनको सारी व्यवस्था होगी, और रामलला का जो भव्य मंदिर बनेगा, लोग दर्शनार्थी आएंगे, और दर्शनार्थियों विदेश के लोग आएंगे, इससे हमारे जो भी यहाँ के लोग हैं सबको लाभ होगा, एक तो व्यापारियों को भी लाभ होगा, और दूसरे और लोगों को जो भी रोजगार है यहाँ छोटे मोटे वह विकसित होंगे, और उनको सबको मंदिर बनने से अयोध्या के लोगों को सभी को लाभ मिलेगा। तमाम दुकानदारों से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे चौड़ीकरण होना है, हमारी दुकानें हटाई जा रही हैं, हम दुकानें देने को तैयार हैं, प्रभु की सेवा में हम लोग हर वक्त तैयार हैं, सरकार हमें यहाँ से हटा रही है तो कहीं दूसरी जगह ले जाके बसा दे, तो उनकी तरफ से आप सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं उस पहले भी जानता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि मैं कह भी दिया कि किसी प्रकार के किसी व्यापारी को कोई भी समस्या नहीं होगी, निश्चित रूप से ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, और इन लोगों को वहाँ बसाया जाएगा, और जितने में हैं उससे अधिक दुगना इनको मुआवजा दे करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर निराश नहीं होगा, सबको मंदिर बनने से स्वतः लाभ होगा, और चाहे जिस जगह रहेंगे जहाँ पर भी इनको बसाया जाएगा वहीं पर इनको लाभ मिलेगा। इसलिए इस प्रकार की संशय करना कि मंदिर बनने में और हमारा दुकान हटाई जाएगी, दुकान ऐसे नहीं हटाई जाएगी, उसके पूर्णतया मुआवजा दिया जाएगा, जिससे आप जब संतुष्ट हो जाएंगे तभी उसके उस पर कार्यवाही की जाएगी। आचार्य जी, ये रामलला की जन्मभूमि है और चक्रवर्ती राजा राम की राजधानी है, रामलला का मंदिर बन रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि अयोध्या त्रेता में न्याय की और आध्यात्म की धर्म की सबसे बड़ी नगरी हुआ करती थी विश्व की, उनका ये कहना है कि यहाँ पे चक्रवर्ती राजा राम का किला था, ये राम का मतलब राम की राजधानी है, तो वो ये चाहते हैं कि राम मंदिर तो बने बने उसके साथ राम दुर्ग भी बने यहाँ पर जो पुराने स्वरूप में अपने आए दोबारा, इसको लेके कोई सुझाव आपकी तरफ से गया हो सरकार को? राम कोटही के नाम से वहाँ पर है, हनुमानगढ़ी से यहाँ से लेके सड़क से लेके और सरयू तट के बीच का जो क्षेत्र है वो राम कोट के नाम से जाना जाता है, पहले राम किला रहा, कोट किला है, तो इसको उसी रूप से विकसित किया जाएगा कि यहाँ पर किला दिखाई दे और ये मालूम पड़े कि हाँ यह है जो त्रेता युग में जिस प्रकार से महाराज दशरथ का भवन था जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, वो एक किला था और अद्भुत किला था, उस प्रकार से बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित है वह रूप जब आ जाएगा देखने में तब वो जो शास्त्रों में वर्णन है कि किस प्रकार की अयोध्या नगरी थी, तो उसका स्वरूप दिखाई देगा, यह प्रयास वही चल रहा है, और विशेषकर तो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों हों इस पर सक्रिय हैं कि नहीं किसी को परेशानी न हो और किसी प्रकार का कोई भी ऐसा न लगे कि मंदिर तो बना लेकिन हमारे लिए वो दुखदायी हुआ, ऐसा नहीं होगा,
तो जो भी मांग और जो भी भावनाएं जिस रूप से यहाँ के लोगों की जुड़ेगी और दर्शनार्थियों के आने वाले पर्यटकों की जुड़ेगी, वो सबकी पूर्ति यहाँ दिखाई देगी। मंदिर का निर्माण जैसे ही शुरू हुआ है, लोगों का कहना है कि उसके बाद आने जाने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, दुनिया भर के राम भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो राम भक्तों के लिए आपकी तरफ से कोई खास संदेश? राम भक्त के लिए हम यह कहेंगे कि ऐसी सुविधा यहाँ किया जाए कि जिससे कि आने वाले जितने भी राम भक्त हैं, वह है आने पर जैसे आश्रम में जाने का मतलब हुआ सुख शांति मिले, तो इस प्रकार से उनको सुख शांति मिले और उसके आवास मिले, जय दिन तक रहना चाहें अयोध्या वासी, क्योंकि भगवान कहते हैं अतिप्रिय मोह यहाँ के वासी, तो अतिप्रिय हैं, तो इसलिए वो यहाँ आकर के निवास करें और उनकी सारी सुविधाएं रहने के, भोजन की और सब कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे पर्यटक आ करके और किसी प्रकार की निराश न हो और सब प्रकार की उनको सुविधा दिया जाए और राम भक्त जो हैं वो समझें कि हाँ राम के नगरी में आने के बाद हमको सुख शांति मिली, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं किया जाएगा और हमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ व्यवस्था होगी। ये थे आचार्य सत्येंद्र दास जी, आपसे हमने जाना कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद किस तरीके के बदलाव आए हैं, साथ ही उन्होंने राम भक्तों के लिए अपना एक विशेष संदेश भी दिया है। रामनगरी में अभी हम आपके साथ बने रहेंगे, फिलहाल इस यात्रा को यहाँ पर विराम देते हैं। कैमरामैन बाबूलाल जी के साथ मैं प्रदीप तिवारी अयोध्या से। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।